तो आज प्रश्न नंबर चार से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.2, प्रश्न नंबर चार। तो प्रश्न नंबर चार में है, देखिए लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इसमें देखते हैं कौन संगत है और कौन असंगत है। तो इसमें पहला समीकरण लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, तो इसको हल करते हैं। इसमें यहाँ a1 बराबर ये 1 है, b1 बराबर 1 है और c1 बराबर 5। इसी प्रकार A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 10। तो हम लोग A1 बटे A2 चेक करेंगे। A1 बटे A2 बराबर 1 बटे 2, 1 बटे 2। फिर B1 बटे B2 बराबर 1 बटे 2 और C1 बटे C2 बराबर 5 बटे 10। मतलब 5 एकम 5 दूनी 10, तो ये भी 1 बटे 2 प्राप्त हो गया। देखिए इसमें तीनों अनुपात बराबर हैं, सब में 1 बटे 2, 1 बटे 2 और 1 बटे 2 प्राप्त हुआ है। तो देखिए चूंकि ये बराबर हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। देखिए तीनों बराबर हैं तो ये किस प्रकार का हल हो जाएगा। देखिए अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं, ठीक ना, और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो अगर अनेक हल हैं मतलब हल प्राप्त हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ये संगत है। अतः रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं, ठीक ना। तो ये संगत है, तो अगर संगत है तो इसका मान ज्ञात करेंगे। तो ग्राफीय विधि से मान ज्ञात करना है, तो इसमें पहले x और y का कुछ मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे, अब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। तो लिखे हैं समीकरण 1 से, तो पहला समीकरण लिख लें x प्लस वाई बराबर 5। तो ये हो गया x बराबर 5 माइनस वाई, पक्षांतर कर लिया। यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे, एक्स वाई, तो इसमें वाई का मान रखेंगे तो एक्स का मान आएगा। तो पहले लिख लेते हैं वाई बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे कितना आएगा, एक्स बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। तो एक्स का मान 4, वाई का मान 1। फिर वाई बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो आएगा यक्स बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तो यक्स का मान 3, वाई का मान 2 और यक्स का मान 3 रखने पर, तो 3 रखेंगे तो यक्स बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2 प्राप्त हुआ। तो यक्स का मान 2 और वाई का मान 3, ठीक ना। तो ये समीकरण से, पहले समीकरण से मान ज्ञात हो गया इसका। अब समीकरण 2 लेंगे, तो लिखते हैं समीकरण 2 से। तो ये रेखा देखिए, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हो गया, इसको भी पक्षांतर कर लेंगे 2y को, तो 10 माइनस 2y और 2 को नीचे पक्षांतर कर लेंगे तो 10 माइनस 2y बटे 2। तो इसमें अब y का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, x ये y, ठीक ना। तो y का मान रख लेते हैं, देखिए y का मान 0 रख लेते हैं तो ये पद समाप्त हो जाएगा, तो 10 बटे 2 बचेगा तो कट जाएगा। तो लिखते हैं y बराबर 0 रखने पर, शून्य रखेंगे तो यक्स बराबर 10 माइनस 2 गुणे 0 बटे 2,
तो ये हो गया 10 माइनस शून्य बटे 2, तो इसका मतलब 10 में से शून्य ज्ञात मतलब 10 ही आया, 10 बटे 2, 2 एक कम, 2 पंचे 10, इस प्रकार x का मान 5 आ गया। तो यहाँ पर शून्य पर 5 प्राप्त हुआ, ठीक ना। फिर y का मान और एक लेते हैं, तो y का मान रख लेते हैं, एक रख लेते हैं, ठीक ना। तो एक रखेंगे तो y का मान एक रखने पर, तो देखिए एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 10 माइनस 2 गुणे 1 बटे 2, तो ये हो गया 10 माइनस 2 एक कम 2 बटे 2, तो 10 में से 2 गया 8, 8 बटे 2, 2 एक कम 2 चौके 8, तो x का मान 4 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो लिखते हैं y के मान 1 पर x का मान 4 प्राप्त हुआ। एक मान और ज्ञात कर लेते हैं, तो लिखते हैं y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो आएगा x बराबर 10 माइनस 2 गुणे 2 बटे 2, तो हो गया 2 दुनी 4 बटे 2, ठीक ना, 2 दुनी 4, 10 में 4 गया 6 बटे 2, 2 एक कम 2 तिहाई 6, x बराबर 3, तो x का मान 3 आया y के 2 मान पर, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका ग्राफ, ये मान ज्ञात कर ले, अब ग्राफ पर दिखाएंगे इसको, तो हम ये भी इस ये मान भी हम वहाँ लिख लेते हैं, और इसका क्या समीकरण था, ये था 2x प्लस 2y बराबर 10, और ऊपर एक पहला बॉक्स का बना लेते हैं x ए y, 1 2 3 1 2 3 4 3 2, और इसका क्या समीकरण था, x प्लस वाई बराबर 5। तो ग्राफ खींचते हैं इसमें, ये y अक्ष हो गया और ये x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, ये y डैश। देखिए सबसे अधिक मान 5 तक है, तो 5 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, ये माइनस में होगा 4, और ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक ना, 6 हो गया। अब देखिए इसको दिखाते हैं, पहले समीकरण से जो प्राप्त मान है उसको देखते हैं, x का मान 4 और y का मान 1, तो x का मान ये 4 और y का मान 1, तो यहाँ लग ये आएगा, ये सीधी रेखा पर यहाँ पर आएगा, 4 पर है, ये हो गया, तो इसको लिखेंगे 4 1, फिर 3 2, ठीक ना, 3 और ये 2, 3 2, फिर 2 3 2 3, ये हो गया 2 3, ठीक ना। तो इसके लगाकर लाइन खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, तो इन बिंदुओं से एक लाइन खींच लेते हैं, तो खींचेंगे तो ये आ जाएगा, ये और ये ऐसे जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया ग्राफ इसका, इसका समीकरण भी लिख लेते हैं यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक ना। तो इसका अब देखते हैं, अब दूसरे वाले का देखते हैं, लिखा है 5 और 0, तो x का मान 5 और 0, तो मतलब यही रेखा है, फिर x का मान 4 और 1, 4 और 1, यही बिंदु ये भी रहेगा, और 3 और 2, तो देखिए 3 और 2 ये भी रहा, मतलब ये वाली इस वाले समीकरण की भी रेखा यही रेखा होगी, ठीक ना। तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, इसको मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी आई है, तो इसी को बोलते हैं संपाती रेखाएं होंगी, ठीक ना, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको लिख लेते हैं,
इसका हल क्या हुआ, यक्स प्लस वाई बराबर पाँच, तो ये जाएगा वाई बराबर पाँच माइनस एक्स, ठीक ना, ये हल हो जाएगा। तो इसके यक्स के कोई भी मान रखेंगे तो वाई का मान उसके हिसाब से आएगा, वाई बराबर पाँच माइनस यक्स, यक्स के किसी मान पर एक वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर चार का पहला हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में है x माइनस वाई बराबर एट और 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं, ठीक है, यहाँ तुलना करेंगे तो a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस 1 और c1 बराबर 8। इसी प्रकार a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर 16। तो इसमें a1 बटे a2 ज्ञात करते हैं, a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 3 और b1 बटे b2 बराबर माइनस 1 बटे माइनस 3। इस प्रकार इसका 1 बटे 3 ही आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। c1 बटे c2 देखिए, ये 8 बटे 16, तो 8 एक कम, 8 दुनी 16। तो देखिए ये दो अनुपात बराबर आए हैं, 1 बटे 3, 1 बटे 3, c1 बटे c2 1 बटे 2 आ गया, मतलब ये अलग हो गया। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो देखिए अगर ये स्थिति होती है तो इसमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं प्राप्त हुई मतलब इसका कोई भी हल नहीं आता। अगर कोई किसी भी समीकरण के अगर हल नहीं आ रहे हैं तो उनको असंगत बोलते हैं। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरणों या समीकरण के युग्म असंगत है, ठीक ना। तो अगर ये असंगत है तो इसका मान ज्ञात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन देखते हैं अब। तो तीसरा भाग में है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें देखिए तुलना करेंगे, a1 a2 b1 b2 ये सब ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 6, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस 2 और c2 बराबर माइनस 4, ठीक ना। तो इसमें a1 बटे a2 देखते हैं, a1 बटे a2 बराबर 2 बटे 4, तो 2 एक कम, 2 दुनी 4 बराबर 1 बटे 2 आया। इसी प्रकार b1 बटे b2 कितना आएगा, यह आया 1 बटे माइनस 2, मतलब ये देखिए ये चीज़ 1 बटे 2 है और ये 1 बटे माइनस 2, मतलब माइनस 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। तो देखिए यही अनुपात बराबर नहीं है, ठीक ना। तो आगे ये अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो c1 बटे c2 भी ज्ञात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो अगर ये स्थिति आती है तो लिखते हैं इसमें रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और अगर किसी भी समीकरण का हल प्राप्त हो रहा है तो वो रैखिक युग्म संगत होते हैं। तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे, ठीक ना। तो संगत है तो इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको समीकरण एक से लिखते हैं, तो लिखते हैं इसको समीकरण एक डाल लेंगे और इसको समीकरण दो डाल लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण एक से, तो समीकरण एक से इसको लिखते हैं, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0,
तो इसमें वाई इधर रख के बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो आएगा वाई बराबर 6 माइनस 2x, ठीक ना। 6 माइनस 6 पक्षांतर हुआ तो प्लस 6, और 2x है तो -2x, और इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पे एक तो बॉक्स बना लेते हैं, एक दो तीन, ठीक ना, इस बॉक्स को हम वही बना लेते हैं। एक्स वाई, ठीक ना, इसका समीकरण भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 2x + y - 6 = 0, ठीक ना, तो वही मान रख लेंगे। तो देखिए x का मान क्या रख लें, अगर 0 रख लेंगे तो 6 आएगा, 1 रखेंगे तो 4 आएगा, तो जो भी कुछ भी मान रख सकते हैं यहाँ पर, लिख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर तो देखिए क्या आएगा, y बराबर 6 - 2 × 0, तो क्या 6 - 0 = 6, तो देखिए y का मान 6 आ गया, 2 × 0 = 0, और 6 में 0 = 6 प्राप्त हो गया। तो x का मान 0 और y का मान 6 प्राप्त हुआ, ठीक ना। फिर यही याद कर लेते हैं, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रख लेते हैं तो आ जाएगा y बराबर 6 - 2 = 2, तो 2 + 2, तो ये आ गया 6 में 2 = 4, तो x का मान 1 और y का मान 4। इसी प्रकार एक और रख लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर, देखिए क्या आएगा, y बराबर 6 - 2 × 2, 6 - 4 = 2 प्राप्त हो गया, मतलब 2 पर 2 ही प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण 1 से प्राप्त हो गया, अब समीकरण 2 से प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए ये रहा समीकरण 2, ठीक ना, तो इसको लिख लेते हैं, 4x - 2y - 4 = 0। देखिए इसमें इसको पक्षांतर कर लेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो इसमें y का मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसको हम इधर पक्षांतर करते हैं तो ये आया 4x - 4 = 2y, है ना, -2y को पक्षांतर कर दिया तो +2y आ गया, तो ये हो गया 2y = 4x - 4। अभी 2 को नीचे पक्षांतर कर सकते हैं, या इसमें देखिए 2 उभयनिष्ठ है तो पक्षांतर करके काट लेंगे, देखिए इसमें भी 2 उभयनिष्ठ है तो 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा 2x और ये -2, ठीक ना, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और ये 2 को नीचे पक्षांतर कर देते हैं तो देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो ये आया 2x - 2, ठीक ना। अब x का मान रखेंगे इस पर, तो यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए भी, एक्स वाई, और समीकरण क्या है इसका, लिखेंगे 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए x का मान अगर 0 रखते हैं तो -2 आएगा, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, तो देखिए क्या आएगा, y का मान 2 × 0 - 2, तो 2 इसका 0 - 2 = -2, तो x का मान 0, y का मान -2। फिर x का मान 1 रखने पर, तो ये आ गया y बराबर 2 × 1 - 2, ठीक ना, 2 × 1 - 2, 2 + 2 -2 = 0, तो यह 1 पर y का मान 0 प्राप्त हुआ। एक और मान रख लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर, तो ये आया y बराबर 2 × 2 - 2, ठीक ना, तो ये आ गया 2 × 4 - 2 = 2 आ गया, तो y का मान 2, x का मान 2, ठीक ना। देखिए 2 आ गया, ये दोनों यही समीकरण के हल ही होंगे, तो अब ग्राफ खींचते हैं इसके लिए।
ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये वाई डैश खींच लेते हैं। देखिए वाई वाला ही सबसे अधिक 6 है, बाकी एक्स वाला 1 या 2 ही है, ठीक है ना। तो एक्स वाला वाई वाला 6 तक लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7 तक लिख लिए। फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। पहले समीकरण से प्राप्त मानों को दिखाते हैं। तो देखिए x बराबर 0 पर y बराबर 6, तो x का मान 0 और y का मान 6, तो ये प्राप्त हो गया, ये हो गया 0, 6, ठीक ना। फिर x का एक एक और 4, एक और ये रहा 4, ये हो गया 1, 4। फिर 2, 2, तो 2 पर 2, ये हो गया 2 पर 2, ठीक ना। तो इसको सीधी लाइन से खींच लेंगे, स्केल लगाएंगे और इसको खींच देंगे, ठीक ना। तो इसका समीकरण भी लिख देंगे यहीं पर, ये हो गया 2x + y - 6 = 0, ठीक ना। अब दूसरे समीकरण से प्राप्त मानों को दिखाते हैं। तो इसमें लिखा है x बराबर 0 और y बराबर -2, x का मान 0, y का मान -2, तो ये हो गया, ये प्राप्त हुआ 0 और -2। फिर 1 और 0, तो x का मान 1 और y का मान 0, मतलब ये यहीं रहेगा, तो ये हो गया 1 और 0। फिर 2, 2, तो रहा 2, 2, ठीक ना। अब इसके ला के खींचेंगे इसको, तो ये प्राप्त हो जाएगा, तो ये खींचते हैं इसको, ये रहा, ठीक ना। इस समय इस रेखा का भी समीकरण लिख लेते हैं यहीं पर, 4x - 2y - 4 = 0, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रतिच्छेद बिंदु 2, 2 पर आया, अतः इस समीकरण का हल 2, 2 होगा, x बराबर 2 और y बराबर 2। तो लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखाएं 2, 2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 2 समीकरण के हल होंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का तीसरा हो गया। अब चौथा देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 का चौथा भाग। इसमें लिखा है 2x - 2y - 2 = 0, और यहाँ लिखा है 4x - 4y - 5 = 0। तो इसको देखते हैं, इसको पहले a1 a2 देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ a1 = 2, b1 - 2 और c1 - 2। इसी प्रकार a2 = 4, b2 - 4 और c2 - 5। तो इसमें a1 / a2 देखते हैं, a1 / a2 = ये हो गया 2/4, तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/2 प्राप्त हुआ। फिर b1 / b2 देखते हैं, तो होगा -2/-4, तो इसको सरल करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 2 + 1 = 2, 2 × 4, तो ये हो गया 1/2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार
सी वन बटे सी टू देखते हैं तो ये आ गया माइनस दो बटे माइनस पाँच। तो ये केवल माइनस माइनस कटेगा तो आया देखिए दो बटे पाँच प्राप्त हुआ। तो इसमें देखिए ये दो अनुपात बराबर हैं, एक बटे दो एक बटे दो, मगर ये बराबर नहीं है। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू। तो लिखेंगे अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या होगा, ये अगर हल प्राप्त नहीं हुआ तो ये असंगत हुआ। तो लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर चार समाप्त हो गया, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पांच में एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अभी प्रश्नावली 3.2 चल रहा है, प्रश्नावली 3.3 और 4 में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। तो हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक ना। तो हम अभी 3.2 में प्रश्न नंबर 5 छोड़ रहे हैं, हम आगे इसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर अब 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में है एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 6 में लिखते हैं, लिखा है इसमें एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि पहला क्या लिखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या लिखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, ठीक ना। तो हमको देखिए युग्म एक खोजना है, मतलब इसी प्रकार एक समीकरण और खोजना है। तो जिसका अगर हम देखिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का क्या स्थिति होती है, तो देखिए ए वन बटे ए टू बराबर नहीं होना चाहिए बी वन बटे बी टू, ठीक ना। तो हम एक समीकरण दिया हुआ है और एक समीकरण हमको अपने से लिखना है और इन दोनों का तुलना करेंगे तो जिनका ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर इस तरह एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण हम लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। देखिए एक समीकरण हमने लिख लिया, तो अब अगर इनसे a1 और a2 a1 बटे a2 ज्ञात करते हैं, देखिए क्या प्राप्त होता है। तो ये रहा देखिए इसमें तुलना करेंगे तो होगा a1 बटे a2 बराबर, देखिए ये 2 है और ये 3 है तो 2/3। इसी प्रकार b1 बटे b2 चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये 3 है और ये 2 है तो 3/2। देखिए दोनों अनुपात बराबर नहीं आए तो ये प्रतिच्छेद करती हुई प्रतिच्छेदी रेखाओं की ये स्थिति ही हो गई। देखिए a1 बटे a2 बराबर नहीं आया b1 बटे b2, तो ये हो गया प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए इस समीकरण के लिए एक समीकरण हमने और लिख लिया, ठीक ना। इस प्रकार हमको ऐसा समीकरण लिखना है, ऐसा यहाँ पर अंक रखना है कि अगर हम इसका अनुपात ज्ञात करें तो बराबर नहीं आए, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर हम खोजें तो इस प्रकार कई रेखाएं है ना, अनगिनत रेखाएं हम इस तरह समीकरण बना सकते हैं, ठीक ना। तो हमने एक बनाया, आप चाहें तो आपका कोई और अलग भी हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमको बस इतना ध्यान रखना है कि अनुपात बराबर नहीं आए, ठीक ना। तो यहाँ 2 है, यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं प्लस 7y माइनस 1 बराबर 0। एक समीकरण हमने और लिख लिया, देखिए अगर तुलना करेंगे तो 2/5 इससे आएगा, ठीक ना। a1 बटे a2 अगर तुलना करें, a1 बटे a2 तो क्या हो जाएगा
2/5। इसी प्रकार b1/b2 क्या आ जाएगा, तो 3/7, ठीक ना, 3 और 7। देखिए बराबर नहीं आया, इस प्रकार ये उत्तर भी आपका सही है। इस प्रकार आपको जो इच्छा हो वो समीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये पहले प्रश्न का ही हल हो गया, चाहे इसको आप लिखिए चाहे इसको लिखिए, ठीक ना। तो अब सेकंड दूसरा भाग देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा भाग में लिखा है समांतर रेखाएं हों, तो देखिए लिखते हैं समांतर रेखाएं हों। देखिए समांतर रेखाएं होने के लिए देखिए क्या स्थिति होती है, a1/a2 = b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो मतलब अगर आप चाहें तो देखिए ये दोनों अनुपात बराबर है शुरू में, तो आप चाहें तो इन दोनों को स्वयं फिर से लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए 2x + 3y लिख सकते हैं, ठीक ना, शुरू में बराबर हो कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं पर आप एक मान बदल दीजिए। तो c1/c2 इन लोगों के बराबर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 8 है या 5 लिख देते हैं, ठीक ना। तो अगर हम इसकी तुलना करें देखिए, तो अगर हमें यहाँ a1/a2 ज्ञात करना हो तो यह जगह 2/2, ठीक ना, तो ये आया कट के 1/1 आया। इसी प्रकार b1/b2 देखते हैं, तो देखिए यहाँ 3 है और हमारा प्राप्त समीकरण में 3 है, तो लिखेंगे 3/3, तो ये कट के 1 आ गया। देखिए दोनों बराबर है, अब c1/c2 देख लेते हैं, तो c1/c2 में -8 है, यहाँ -5 है, -8 -5, देखिए 8/5 प्राप्त हुआ। देखिए ये दोनों बराबर है मगर वो बराबर नहीं, तो ये वाला स्थिति आ गया, मतलब ये समांतर रेखाओं को दिखा रहा है। आप चाहें तो एक समीकरण और लिख सकते हैं इसमें, ये दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ 2x है, तो मैं यहाँ पर देखिए 4x लिख देता हूँ +6y लिख देता हूँ और यहाँ पर 10 रख देता हूँ = 0, ठीक ना। इसका डबल डबल कर दिया है इनका, 3, 2 का 4, 3 का 6 और 8 के स्थान पर 10 रख लिया है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, बस बराबर नहीं आना चाहिए, तो बराबर के लिए कुछ भी ऐसा रखिए कि जो बराबर ना प्राप्त हो। अब देखिए इसमें a1/a2 चेक करें तो यह आ गया 2/4, मतलब 1/2 प्राप्त हुआ। फिर b1/b2 देख लेते हैं, ये देखिए आया 3/6, 3 और ये 6, तो 3/6 = 1/2 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये देखिए 1/2 आ गया। अब c1/c2 देख लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया, -8/-10, ठीक ना, ये कैंसिल हो गया, 2 × 8, 2 × 5, 10, इस प्रकार 4/5 प्राप्त हुआ। तो देखिए ये दोनों अनुपात बराबर आए, 1/2, 1/2, मगर c1/c2 अलग आया। इस प्रकार ये वाली स्थिति बन गई, दोनों बराबर अनुपात है मगर c1/c2 इनके बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये भी समीकरण इसका एक युग्म ये हो सकता है, चाहे इसके संग आप इसको लिखिए, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 6 का दूसरा भी हो गया, 6वें का। इसी प्रकार एक तीसरा है, तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरे में है संपाती रेखाएं होनी चाहिए, ठीक ना, संपाती रेखाएं हों, ये संपाती रेखाएं हों। संपाती रेखाओं की क्या स्थिति होती है कि सभी अनुपात बराबर होते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होते हैं। क्या करिए, समय दो दो गुणा करके लिख लीजिए, तीन तीन का गुणा करके लीजिए या चार चार गुणा करके लिख लीजिए, समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 है तो 4x + 6y = 8×16 = 0। जब आप इसको इससे तुलना करेंगे तो देखिए क्या प्राप्त हो जाता है, इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ आ जाएगा a1/a2, ठीक ना, इतना समय आ रहा होगा ये a1 ये a2, ठीक ना, तो 2/4 कटेगा तो 1/2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार b1/b2 क्या हो जाएगा, तो हो गया 3 और ये 6, 3/6 1/2 प्राप्त हो गया। फिर c1/c2 करेंगे तो c1 -8 और वो -16 है यहाँ पर, तो काटेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 3 + 1 = 3, 2 = 6, तो ये हो गया 1/2।
देखिए तीनों अनुपात बराबर आ गए, 1/2, 1/2, 1/2, तो इसके संग यही हो गया, ठीक ना। आप चाहें तो दूसरा समीकरण बनाना हो तो इसमें तीन तीन गुणा कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6 और 3 त्रिकाई 9 और 8 त्रिक 24 बराबर 0, ये भी एक समीकरण बन गया। अगर आप इसको बटे में करेंगे, 2 तिहाई 6 होता है यहाँ, ठीक ना, तो इसके बटे में 2/6 करेंगे, तो देखिए ये 2/6 आ गया, a1/a2, ये भी कट के 1/3 आया, ठीक ना। फिर b1/b2 चेक करेंगे, देखिए b1/b2 बराबर 3/9, तो 1/3 आ गया, ठीक ना। और c1/c2 चेक करेंगे तो -8/24, तो -8/24, तो इस प्रकार 8 त्रिक 24। देखिए सभी अनुपात बराबर आ गए, ठीक ना। तो इसका संपाती रेखाएं ये हो गया, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, चाहे अपने मन से जो बना सकें वो बना लीजिए। सब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं ये लिखिए, ठीक ना। और समांतर रेखाओं के लिए एक एग्जाम्पल ये लिया, एग्जाम्पल यहाँ लिया था, ठीक ना। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 एक अंतिम प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। एक लिखा है समीकरण, दो समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरण लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 लिखा है यक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यक्स माइनस 1 प्लस 1, यक्स देखिए इसमें लिखा है का ग्राफ खींचिए, ठीक ना। समीकरण दिया हुआ है, का ग्राफ खींचिए। यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक ना। यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने एक त्रिभुज बनेगा, उसी को ज्ञात करना है, ठीक ना। अब चूंकि यक्ष किसी अक्ष के संग लाइन खींचना है, इसलिए एक बार यक्स का मान 0 और एक बार वाई का मान 0 रखकर इसके कुछ मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 डाल लेते हैं, इसको समीकरण 2 डाल लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से यक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए एक बार यक्स बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो इससे यक्स का मान, वाई का मान कितना जाएगा, वाई बराबर 1। वाई को उधर पक्षांतर कर दिए तो वाई बराबर 1, तो मतलब 0 पर 1 प्राप्त हुआ। फिर वाई बराबर 0 रखने पर, तो y का मान 0 रख लेंगे, x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, तो जगह x प्लस 1 बराबर 0, तो हो गया x का मान माइनस 1 प्राप्त हो गया, तो ये 0 और ये माइनस 1, ठीक ना। तो y का मान 0 रखा तो x का मान माइनस 1 आया। इसी प्रकार समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से तो दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ठीक ना। तो इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, एक्स ये वाई, तो ये समीकरण भी लिख लेते हैं इसी के ऊपर, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। एक बार x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रख लेते हैं यहाँ पर, तो जगह 3 × 0 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो ये पद 0 हो जाएगा, ठीक ना। 3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 हो गया, प्लस 2y और 12 को पक्षांतर कर लेंगे तो -12 है तो +12, इस प्रकार 2y बराबर 12, तो y बराबर 12/2, 2 × 1 = 2 × 12, तो y का मान 6 प्राप्त हुआ, तो 0 पर 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रख लेंगे, लिखते हैं 3x + 2 × 0 - y - 12 बराबर 0, तो
तो ये पद समाप्त हो जाएगा, तो आएगा 3x माइनस 12 बराबर 0, 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 3, 3 एकम 3 चौक 12, इस प्रकार x बराबर 4 प्राप्त हुआ। तो y के मान 0 पर x का मान 4 प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब इसी का ग्राफ बनाते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं। शून्य एक माइनस वन शून्य, और इसका समीकरण x माइनस वाई प्लस वन बराबर शून्य, ठीक। तो ग्राफ खींच लेते हैं इसका। ये हो गया x अक्ष, हो गया ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक ना, ये मूल बिंदु, और इधर देखिए सबसे अधिक 4 है, 6 है, ठीक ना। तो y का मान 6 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब x का मान 0 पर 1 है, तो x का मान 0 और y का मान 1, तो ये प्राप्त हो गया यहाँ, ठीक ना। x का मान 0, y का मान 1, तो यहाँ लिख लेते हैं 0 और 1 प्राप्त हुआ, ठीक ना। फिर माइनस 1 0, x का मान माइनस 1, y का मान 0, तो y का मान कहीं नहीं उठेगा तो यही रहेगा, तो हो गया माइनस 1 और 0, ठीक ना। इसी प्रकार इसका देखते हैं, इसको पहले लाइन खींच लेते हैं इसका। ये लिख लिया, इस पर इसका समीकरण भी लिख देते हैं। ये लिख रहे हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक ना। अब इसका दिखाते हैं, x का मान 0 और y का मान 6, ये रहा 0 और 6, और x का मान 4 और y का मान 0, मतलब y का मान कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये हो गया 4 और 0। अब एक लाइन खींच देंगे इसका, ये है, तो ये प्रतिच्छेद किया है, ठीक ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु पहले x अक्ष पर मिलाते हैं, देखिए क्या है, तो ये मिलाया इसको और ये मिलाया ऐसे, इस प्रकार ये प्रतिच्छेद बिंदु 3 2 प्राप्त हुआ, 2 3 हुआ, पहले x को लिखते हैं, 2 और 3 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये देखिए इस प्रकार ये त्रिभुज बना, ठीक ना, और x अक्ष के संग एक आधार हो गया त्रिभुज का, ठीक ना, ए बी सी अगर नाम लें तो इस तरह हो गया, इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ए बी और सी, तो ये त्रिभुज हो गया, तो इसको छायांकित करना है, तो छायांकित कर देते हैं इसको, ये छायांकित हो गया, ये त्रिभुज है, ठीक ना। और इसके शीर्ष लिखना है, तो देखिए शीर्ष दिख रहा है, ए और बी का मान माइनस 1 0 और सी का मान 4 और 0, इसको लिख लेते हैं, यक्ष अक्ष और क्या लिखा है देख लेते हैं, यक्ष अक्ष और रेखाओं से बने त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, देखिए शीर्ष क्या क्या हुए हैं, ठीक ना, ए चाहे तो ए बी सी डालें चाहे ना डालें, तो लिख लेते हैं ए 2 3, बी माइनस 1 0 और सी 4 0 है,
ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 हो गया।